ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रक्स का भरमार भर चुका है। हम खड़े हैं आइसर प्रो 3015 के सामने जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलता है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, नॉर्मल जो आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं वहाँ पर ये हाइड्रोजन डलेगा, लेकिन यहाँ पर इंजन की जगह पे एक फ्यूल सेल रहेगा जो कि हाइड्रोजन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जिससे जो पावर ट्रेन है उसको पावर मिलेगी। फ्लैट बेड के साथ ये ट्रक आता है, इसके ऊपर आप कुछ भी लगवाना चाहे लगवा सकते हैं, और इसी के नीचे फ्लैट बेड के नीचे यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के टैंक्स देखने को मिलते हैं, और उन टैंक्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर साइड अंडर राइड गार्ड्स मिलते हैं। साइड अंडर राइड गार्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि कोई गाड़ी नीचे से घुस के ना निकल जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स को रखने का ऑप्शन दिया जाता है, तो ऑप्शन टू ऑप्शन डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रक परचेस करना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स देखने को मिलते हैं। अब ट्रक के दूसरी साइड में जाकर देखेंगे तो हमें जो थोड़े से कंट्रोलर्स होते हैं जो इस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पर पीछे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, और जो मेन मोटर वगैरह लगती है वो लगती है गाड़ी के केबिन के नीचे की तरफ, जो ऑब्वियसली जहाँ पर इंजन लगा होता है उसी बॉडी को यूज़ करके इन्होंने पूरा मॉडिफाई किया है। अब इतने बड़े ट्रक के लिए आप कितने भी सेफ्टी फीचर ऐड कर लो कम रहने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सेफ्टी फीचर दिया गया है ORVM, वो भी डिजिटल कैमरा के साथ। यहाँ पर साथ में दो LED लाइट्स भी दी गई हैं ताकि रिवर्स करते टाइम पे यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू मिल सके। अब ORVM डिजिटल होने का फ़ायदा मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर हम अंदर एंटर करते हैं, काफ़ी ऊँचा ट्रक है, पकड़ने के लिए हमें दो ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोड यहाँ पर नॉर्मल दिए गए हैं, बटन वाले मोड आप प्रेस करेंगे, मोड चेंज करना है, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, गियर अप डाउन करना है, मतलब ये मैनुअल भी कर सकते हैं इसको। अब मैंने जो आपको बाहर कैमरा दिखाया था उसका फायदा ये है कि वो यहाँ पर आपको इंडिकेट करता रहेगा कि कितनी सारी गाड़ी आपके आगे पीछे आ रही है। अब आप बोलेंगे जो काम वो कर रहा था वो काम तो ये भी कर रहा है, लेकिन फ़र्क ये है बारिश के टाइम पर एक क्लियर रहेगा, इसका 180 डिग्री व्यू रहता है और डिवाइड भी कर सकते हैं कितना व्यू चाहिए। वही सेम कैमरा यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर IRVM भी बेसिक दिया गया, बट इसका फायदा इतना है नहीं बिकॉज पीछे तो पूरा कवर है, पीछे जो टैंक है वो लगाया है। सोने के लिए जगह बनाई गई यहाँ पर और काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर दिया गया है। अब इंडिया में हाइड्रोजन का काफ़ी प्रमोशन चल रहा है, इसी के चलते बहुत सारी कंपनीज ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ट्रक्स निकाले हैं। लेट्स सी कितने ज़रा इफेक्टिव रहते हैं।